दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि शेर और मच्छर व अन्य कीड़ों में से सबसे ज्यादा खतरनाक कौन होता है? आप में से ज्यादातर का जवाब शेर होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में शेर से हर साल औसतन 70 लोगों की जान जाती है, पर मच्छर से जान गंवाने वाले लोगों की संख्या कई ज्यादा है, और वो संख्या क्या है इसके लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। और आज हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो चलिए जानते हैं करोड़ों कीड़ों में से निकल के हमारे लिस्ट में जगह बनाने वाले 5 सबसे खतरनाक कीड़ों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ज्ञान। द बुलेट एंट। दोस्तों, हमारी दुनिया में सबसे बड़ी पाई जाने वाली चींटी, जिसे हम बुलेट एंट के नाम से जानते हैं, और यह हमारे लिस्ट में अपनी इस पहचान की वजह से नहीं बल्कि अपनी जानलेवा बाइट की वजह से इस लिस्ट में मौजूद है। इसके बाइट का शिकार हुए लोग बताते हैं कि इसके काटने से ऐसी तकलीफ होती है जैसे कि किसी ने गोली मार दी हो, पर शायद इसलिए इस चींटी को यह नाम मिला। इसके काटने पर होने वाले दर्द का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि इसके काटने पर मधुमक्खी से काटने पर 30 गुना लगभग ज्यादा दर्द होता है। इसके अलावा इसे 24-hour एंट भी कहते हैं, क्योंकि इसके काटने पर इंसान को 24 घंटे तक दर्द होता है। इन चींटियों के एक ग्रुप में 10 से ज्यादा चींटियां होती हैं, और ये जमीन में बिल बनाने की बजाय ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर रहती हैं। यह चींटियां खुद को शिकारियों से बचाने के लिए एक बदबूदार तरल छोड़ती रहती हैं। इस बदबू की वजह से इन्हें कोई दूसरा जीव नुकसान नहीं पहुंचा पाता है। यह चींटी सभी खाए जाने वाली चीज को अपना भोजन बना लेती है, और दोस्तों, इनसे बचने के लिए इनसे दूरी बनाए रखने में ही आपकी भलाई है। बॉट फ्लाई। दोस्तों, अगर आप किसी अडल्ट बॉट फ्लाई को देखेंगे तो आप यही सोचेंगे कि भला इनसे हमें क्या खतरा हो सकता है, और कुछ हद तक आपका ऐसा सोचना सही भी है, क्योंकि हमें इनसे नहीं बल्कि इनके बच्चों से खतरा है। अधिकतर जानवरों के बच्चे से हमें कोई खतरा नहीं होता, लेकिन बॉट फ्लाई के केस में बिल्कुल उल्टा है। इसके लार्वा को सर्वाइव करने के लिए किसी दूसरे जीव की जरूरत होती है, और ये उस जीव के त्वचा पे आ जाने के बाद उसके अंदर घुस जाता है, फिर वो चाहे इंसान ही क्यों ना हो। दोस्तों, फीमेल बॉट फ्लाई अपने अंडे को किसी होस्ट यानी शिकार पे दे देती है, और फिर उनमें से लार्वा निकलकर होस्ट की स्किन में घुस जाता है, जहां ये 7 दिनों तक रहता है। इससे होने वाली तकलीफ को आप यूं समझ लो कि इसके हर मूवमेंट का एहसास होस्ट को होता रहता है, जो कि बहुत ही तकलीफ भरा एहसास होता है, और इस तकलीफ को कभी कभी ना सह पाने पर होस्ट की मौत भी हो जाती है। लेकिन दोस्तों, अगर आप सेंट्रल अमेरिका या साउथ अमेरिका में नहीं रहते तो आपको इससे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वहीं पाए जाते हैं। द फायर एंट। दोस्तों, हमारी दुनिया में फायर एंट की अब तक 285 प्रजाति पाई जा चुकी हैं, जिनमें से ज्यादातर से हमें खतरा नहीं होता, पर दोस्तों, कई प्रजाति ऐसी हैं जो अपने रास्ते में आने वाली खाने योग्य चीज को चट कर जाती हैं, फिर चाहे वो जिंदा हो या मुर्दा। फायर एंट अपने शिकार के शरीर को छोटे छोटे टुकड़े करके उसे उठा के ले जाती हैं, और बाद में दूसरे शिकार की तलाश में निकल जाती हैं। इन फायर एंट के काटने पर बहुत दर्द का सामना करना पड़ता है, और बार बार काटने पर विक्टिम को एलर्जी भी हो जाती है। दोस्तों, हर बार काटे जाने पर कुछ मात्रा में इनका जहर विक्टिम की बॉडी में पहुंचता रहता है, जिससे विक्टिम को खुजली, दाने, सीने में दर्द और सांस लेने में दिक्कत होती है। इसके अलावा यह चींटी एक्सट्रीम कंडीशन में भी जीवित रह सकती है, और इसलिए यह लगभग दुनिया के हर कोने में पाई जाती है। द टिक। दोस्तों, ये बहुत ही छोटा और साधारण जीव होता है, जिसे टिक के नाम से जाना जाता है। यह आमतौर पे पालतू जानवर जैसे कुत्ते बिल्ली के शरीर पे ही अपना घर बनाते हैं, इसलिए यह दुनिया में हर जगह पाए जाते हैं। इनके शरीर में एक तरह का बैक्टीरिया पाया जाता है, जो बुखार, सरदर्द, शरीर में अकड़न और कमजोरी जैसे परेशानियों को पैदा करता है, और दोस्तों, ये लक्षण आने में 1 से 2 हफ्ते लग जाते हैं। दोस्तों, वैसे तो इसका इलाज मुमकिन है, क्योंकि इसका एंटीडोट मौजूद है, लेकिन समय पे इलाज ना मिलने पर व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। मॉस्किटोज। दोस्तों, वैसे तो इस बात में कोई शक नहीं है कि हमारे लिस्ट में मच्छर को नंबर 1 पे क्यों रखा गया है, क्योंकि दुनिया भर में इससे ज्यादा इंसानों की जान लेने वाला बग मौजूद नहीं है, और ये अपने साथ साथ कई जानलेवा बीमारी को लेके चलता है, जैसे डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया।
दोस्तों क्या आपको पता है इस छोटे से जीव के कारण हर साल दुनिया में 10 लाख लोगों की मौत हो जाती है। WHO की एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में हर 30 सेकंड में एक बच्चा मलेरिया के कारण मर जाता है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आप कमेंट करके नेक्स्ट वीडियो के लिए टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं। अपना समय देने के लिए धन्यवाद।